नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Mi 11X वर्सेस Samsung Galaxy A52 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Mi 11X में 6.44 इंच जबकि Galaxy A52 में 6.3 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Mi 11X से कम है। विड्थ की बात करें तो Mi 11X में 3.01 इंच जबकि Galaxy A52 में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Mi 11X से कम है। बात करें थिकनेस की तो Mi 11X में 0.31 इंच जबकि Galaxy A52 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Mi 11X से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Mi 11X में 196 ग्राम जबकि Galaxy A52 में 189 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Mi 11X में AMOLED जबकि Galaxy A52 में Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Mi 11X में 6.67 इंचेस जबकि Galaxy A52 में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Mi 11X में 85.88% जबकि Galaxy A52 में 84.94% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Mi 11X में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Galaxy A52 में 405 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Mi 11X में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Galaxy A52 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Mi 11X में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Galaxy A52 की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Mi 11X में Adreno 650 जबकि Galaxy A52 में Adreno 618 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Mi 11X में Qualcomm Snapdragon 870 और Galaxy A52 में Qualcomm Snapdragon 720G मिलता है। बात करें RAM की तो Mi 11X में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है, जबकि Galaxy A52 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Mi 11X में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Galaxy A52 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Mi 11X में नहीं है, जबकि Galaxy A52 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Mi 11X में 4520 mAh जबकि Galaxy A52 में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Mi 11X में 3 कलर्स जबकि Galaxy A52 में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Mi 11X में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जिसमें कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 29,890 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 31,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें गैलेक्सी A52 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 24,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो दोनों फोन में 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में गैलेक्सी A52 आगे है, मेन कैमरा में गैलेक्सी A52 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Mi 11X आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme X7 Pro है जो कि 26,999 रुपए में मिलता है। दूसरा Vivo EQ7 है जो कि 31,990 रुपए में मिलता है। तीसरा Xiaomi Poco X3 Pro है जो कि 18,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Mi 11X Pro है जो कि 39,499 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।